ओके गाइस, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। जो लोग भी लेक्चर 3 डायरेक्ट देख रहे हैं, उससे पहले आशा करता हूँ कि आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लिया होगा। अगर ये नहीं देखा तो सबसे पहले इनको देखिए, तभी ये लेक्चर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वही दो जो लेक्चर हैं आपके मेंस और प्रिलिम्स, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट की सीरीज को बहुत ज़्यादा आपके बेस को स्ट्रांग बनाएंगे। इससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। लेक्चर 2 में हमने देखा था डिजास्टर क्या है, हजार्ड क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है। इस लेक्चर में हम देखेंगे रिस्क एंड डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। इससे पर्टिकुलर क्वेश्चन बन जाते हैं, और इसके साथ साथ हम अर्थक्यू के बारे में भी जानेंगे, उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल डाटा जो मेंस में आप डायरेक्ट इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, कहाँ कहाँ आया था इससे पहले, कितनी बार अर्थक्यू आ चुका है, क्या जो इंडिया में, भारत में अर्थक्यू से जुड़े हुए कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं जो कोस्टल एरियाज में, हिंटरलैंड में, कहाँ पर। देखिए, लेक्चर 1 में हमने पहले ही आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए प्रीवियस ईयर जो पूछे गए यूपीएससी द्वारा प्रश्न हैं वो सब डिस्कस कर लिए, ताकि एक हमें राइट डायरेक्शन, एक राइट अप्रोच मिले कि हमें किस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट को शुरू से लेकर अंत तक लेकर जाना है, डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे डिस्कस करना है। क्योंकि बहुत सारे हम लेक्चर देखते हैं, उसमें हमें देखने को मिलता है कि कुछ भी पढ़ाया जाता है, बट हमने पहले पढ़ाने के लिए फॉर्मेट में क्या किया देखा है कि यूपीएससी के सबसे पहले प्रश्न डिस्कस किए हैं, मॉक पेपर जो प्रीलिम्स के हैं, मॉक टेस्ट वो भी डिस्कस किए हैं। तो उसके बेसिस में हम ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, मॉक प्रीलिम्स ये आपको लेक्चर फर्स्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले आप सबको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। हमारे पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2018 22 दिसंबर से 19 का प्रीलिम्स का है। यूपीपीसीएस, बीपीएससी और बिहार, उड़ीसा, ये सब प्रीलिम्स स्टार्ट हो चुके हैं। आप इसे ज्वाइन करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7838692618 में मैसेज कर सकते हैं, और हमारे पेड ग्रुप की सारी जानकारी ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले आपको एक और सूचना दे दें कि नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर पीडीएफ भी मिलती हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इससे पहले हम बहुत सारे टर्म डिस्कस कर चुके हैं जो कि यूपीएससी के प्रश्न में, यूपीएससी के क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछा जाता है। व्हाट इज रिस्क, रिस्क क्या है, रिस्क असेसमेंट क्या है। इससे डायरेक्ट व्हाट इज रिस्क असेसमेंट नहीं आएगा, बट इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से टर्मिनोलॉजी को आपको जानना चाहिए। तो रिस्क क्या, जनरली क्या होता है? रिस्क एक तरह से मेजर है, किसी चीज़ को एनालाइज करना है कि किसी पर्टिकुलर हजार्ड से, किसी हजार्ड, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, इनसे होने वाले जो एक्सपेक्टेड लॉस हैं उनको तोलना, उनको मेजर करना, वही रिस्क है। ओवर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कि इतना पर्टिकुलर इस हजार्ड से सपोज माना जाएगा कि अर्थक्वेक आ जाता है, और उससे होने वाले जितने भी इकोनॉमिक लॉस हैं, सोशियो इकोनॉमिक लॉस हैं, नेचुरल लॉस हैं, इन्वायरमेंटल लॉस हैं, उनको मेजर करना ही रिस्क कहलाता है। एक तरह से रिस्क ये भी कहलाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर हजार्ड्स इवेंट, कि कितना इस हजार्ड से होने वाला प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है कि कितना डैमेज करे, यही सब रिस्क है। ठीक है, रिस्क लेना मतलब, ठीक है, तो मेजर करना कितना लॉस होगा तो उसे रिस्क कहेंगे। अब रिस्क 3 बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले नेचर ऑफ हजार्ड, कि हजार्ड का नेचर कौन सा है, कि वो केमिकल हजार्ड है। इससे पहले हम 5 से 6 टाइप के हजार्ड पढ़ चुके हैं। नेचर क्या है, केमिकल हजार्ड है या नेचुरल हजार्ड है या मैनमेड हजार्ड है, तो नेचर ऑफ हजार्ड पे डिपेंड करता है। दूसरा, वल्नरेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट विच आर अफेक्टेड। वल्नरेबिलिटी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये जानने के लिए लेक्चर 2 आप देख सकते हैं। वल्नरेबिलिटी कहने का मतलब कितने लोग उससे इम्पैक्ट होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या है तो ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होगा, यहाँ पर कम संख्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर अर्थक्वेक आएगा तो बहुत ज़्यादा हजार्ड होगा, बहुत ज़्यादा लॉस होंगे, बट यहीं पर इसी, अगर ये हजार्ड अर्थक्वेक यहाँ पर 2 से 3 लोग रह रहे हैं सिर्फ, वहाँ पर उतना ज़्यादा वल्नरेबल नहीं होगा। तो वल्नरेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है रिस्क। चौथा है, तीसरा है, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ दोज एलिमेंट। सपोज एक जगह सिर्फ लकड़ियाँ रखी हैं, एक जगह बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अर्थक्वेक आने पर कौन सा ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा? सिंपल सी बात है, जहाँ पर नॉर्मल लकड़ियाँ रखी हैं उससे कोई उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर नेपाल में जो 2015 में अर्थक्वेक आया है उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी भी बहुत सारी रिसोर्सेज उनके पास कम पड़ जा रहे हैं,
जिससे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएँ। तो जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, जिन वस्तुओं की इकोनॉमिक आर्थिक जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, वहाँ पर ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। तो तीन पार्ट हैं, नेचर, वल्नरेबिलिटी एंड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ दोज एलिमेंट। अब आगे देखते हैं कि रिस्क जनरली क्या होता है। ठीक है, जब कभी भी हम आपदा प्रबंधन की बात करते हैं तब उसका मतलब होता है कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। वो सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन नहीं होता, वो होता है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। मतलब आपदा प्रबंधन करो वो किसको मद्देनज़र रखते हुए देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी कोई हज़ार्ड आने वाला है तो उससे होने वाले जो लॉस ऑफ लाइफ है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से जुड़ी हुई इसकी प्रॉपर्टी है, उसके एसेट्स हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, गाड़ी है, घर है, ये सब लॉस, इन सब लॉस को कम करना डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। सिर्फ आपदा प्रबंधन की बात नहीं करते, कभी भी आप यूज करो तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट यूज करिएगा। क्योंकि डिजास्टर सिर्फ आपदा प्रबंधन नहीं करना सिर्फ, तो उससे होने वाले लॉस को ये सब रिड्यूस करना है, कम करना है, तो ये सब रिस्क में आता है। ठीक है, होने वाले किससे, हजार्ड से होने वाले लॉस को, तो ये रिस्क है। ओके, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कैन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वेज। अभी तक हमने क्या देख लिया, देखिए रिस्क क्या है इसके पूरे मेजर्स देख लिए, किस तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है ये देख लिया। अब प्रिपेयर्डनेस है, प्रिपेयर्डनेस कैसे करेंगे, देखिए किसी भी, अभी हमने देखा कि कभी भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं करते, हम डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट बोला जाता है। कहने का मतलब जो रिस्क होने वाला है नेचुरल हजार्ड से, उसको मेजर करना कि उससे एक्सपेक्टेड लॉस कितना होगा। तो सबसे पहला है प्रिपेयर्डनेस, कैसे करेंगे। प्रिपेयर्डनेस एक तरह से प्रोसेस है प्रोटेक्टिव की, प्रोटेक्टिव मतलब बचने की, किससे, जितने भी प्रिपेयर्डनेस कौन कौन कर सकता है, सबसे पहले सरकार है, कम्युनिटीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कि जो सरकार है, कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल्स हैं, कोई नेचुरल हजार्ड हो जाता है। एग्जांपल के उदाहरण के तौर पर हम केरला का फ्लड ले लेते हैं। राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने, बहुत सारी जो गांव हैं, बहुत सारा खुद इंडिविजुअल है, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है किसी डिजास्टर सिचुएशन अगर आ जाती है। तो केरला का फ्लड आप ले सकते हैं कि उन्होंने उस डिजास्टर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया होगा, कैसे रिस्पॉन्ड किया होगा, ताकि कम से कम लॉस हो। किसका लॉस हो, इकोनॉमिक आर्थिक बहुत कम लॉस होना चाहिए, इन्वायरमेंटल लॉस कम होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस कम होना चाहिए। तो ये सब प्रिपेयर्डनेस है कि पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। तो अब देखिए, ये तो सबको पता रहता है कि प्रिपेयर्डनेस एक पार्ट है कि तैयारी करनी चाहिए, बट बहुत सारे लोग मेंस में इसको अपने आंसर में पुट नहीं करते हैं, तो इससे सबसे बड़ा लॉस होता है। ये सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि प्रिपेयर्डनेस, बट ये एक टर्म है, एक प्रोसेस है कि अगर NDMA, देखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अगर कोई गाइडलाइंस बना रही हैं तो उसमें दो प्रोसेस होती हैं, एक है प्रिपेयर्डनेस की, दूसरी है मिटिगेशन की। तो एक ये पार्ट हिस्सा है एक कभी भी डिजास्टर रोकने का, उससे होने वाले लॉस का। तो प्रिपेयर्डनेस आपको पुट करना ही पड़ेगा अपने आंसर में, इसलिए हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो एक प्रोटेक्टिव प्रोसेस है जहां पर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। आगे उसके साथ साथ एक इमरजेंसी प्लान, सपोज कोई उदाहरण के सहित नेपाल में अर्थक्यूक आता है तो उसके तहत कैसे इमरजेंसी प्लान करने चाहिए। इमरजेंसी प्लान मतलब क्या होता है कि कैसे आप NDMA को डायरेक्ट कॉल लगाओगे, या आपके ज़िले में कोई IAS है, DM है, IPS है, उनके अधिकारियों को कॉल लगाओगे। जैसे उदाहरण के सहित हम देखें कि जो NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, भारत की एपेक्स बॉडी जो कि आपदा प्रबंधन के लिए काम करती है, उसके लिए गाइडलाइंस बनाती है। अब ये क्या करती है, कोलैबोरेट करती है हमारे मसूरी के जो एकेडमी है लसबना, जिसे कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जहां IAS की ट्रेनिंग होती है, वहीं हैदराबाद में जो पुलिस सर्विस की ट्रेनिंग होती है वहाँ पर NDMA कोलैबोरेट करती है। जो भावी आने वाले IAS और IPS हैं उनको कोलैबोरेट करती है, उनके साथ उनको ट्रेनिंग दी जाती है इसमें, कि कभी भी आपदा आए तो हमें इमरजेंसी प्लान इसके मुताबिक लगता है। आगे देखें कि यही लोग जो NDMA होती है, कैसे इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, कैसे जो पर्सोनल को ट्रेनिंग देते हैं कभी आपदा आए तो उससे कैसे लड़ना है, ताकि कम से कम क्या हो, इकोनॉमिक लॉस हो। आगे सर्च एंड रेस्क्यू मेजर्स भी चलाते हैं प्रिपेयर्डनेस में, कि कभी कभी फ्लड में, अर्थक्यूक में बहुत सारे जो फैमिली से बिछड़ जाते हैं इंडिविजुअल्स, तो उनको कैसे ढूंढना है, उनको कैसे रेस्क्यू करना है, ताकि कम से कम लाइफ का जो लॉस है वो कम से कम हो। जो नेचुरल हजार्ड से, मैनमेड हजार्ड से होने वाली लॉस हैं, डैमेज हैं, वो कम से कम
आपको, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस आप समझ चुके होंगे, इसमें आपको तीन चार कीवर्ड डालने हैं कि गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, इमरजेंसी प्लान कैसे हम सेटअप करते हैं, ट्रेनिंग देनी चाहिए, सर्च एंड रेस्क्यू मेजर्स उठाने चाहिए, और मिनिमाइज जिससे कम से कम लॉस ऑफ लाइफ हो, जान माल का जो खतरा हो बहुत कम हो जाए। रोक तो कोई नहीं सकता डिजास्टर को, नेचुरल अगर प्राकृतिक डिजास्टर है उसको रोकना बहुत मुश्किल है, एक्ट ऑफ गॉड माना जाता है, बट उससे होने वाले लॉस को हम जाहिर सी बात है कम कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर्डनेस का है। दूसरा है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, जो कि कम से कम जो हजार्ड का इफेक्ट हो वल्नरेबल कंडीशन में, वल्नरेबल कंडीशन कहाँ, जैसे बहुत सारे लोग जहाँ पर उपस्थित हैं वहाँ हो सकता है, बहुत ज़्यादा जो बिल्डिंग है वहाँ हो सकता है, जिससे कि कम से कम उस हजार्ड का जो है इम्पैक्ट पड़े, तो उसे मिटिगेशन कहेंगे। मिटिगेशन कहने का मतलब एक तरह से सॉल्यूशन। अब उदाहरण की तरह इसको ज़्यादा समझने के लिए मिटिगेशन को हम आपके लिए एक उदाहरण लाए हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे ड्रॉट एरियाज होते हैं, साउथ में बहुत सारे ऐसे प्लेसेज हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे प्लेसेज हैं, और नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है कि चेरापूंजी में बहुत ज़्यादा रेन आती है, बट स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो ड्रॉट आना जाहिर सी बात है। तो मिटिगेशन का मतलब यही रहता है कि उसके लिए सॉल्यूशन कौन से निकाल सकते हैं। जहाँ ड्रॉट एरिया है, ड्रॉट प्रोन एरिया है, वहाँ वाटर का मैनेजमेंट करना चाहिए, सिंपल सी बात है। दूसरा, ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ के लोगों को रीलोकेट करना चाहिए, किसी दूसरे जगह में रिहेबिलेट करना चाहिए उनको, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, तो ये मिटिगेशन के अंदर आता है। तो दो चीज़ें हैं, ये प्रोसेस आपको याद रखनी पड़ेगी, हालांकि ये कॉमन प्रोसेस है बट आपको इसको मेंस में पुटअप करना चाहिए। सबसे पहले प्रिपेयर्डनेस, दूसरा है मिटिगेशन, और इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं कि ड्रॉट प्रोन एरिया में जहां पर सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है वहां पर वाटर को मैनेज करना चाहिए, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, चाहे ड्रिप इरीगेशन का यूज किए अगर वहां के किसान यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले अगर बात करें, पूरा डिजास्टर को कैसे आपदा प्रबंधन को रोका जा सकता है, आपदा प्रबंधन जो है कैसे किया जा सकता है, वो इसके तीन फेजेज हैं। सबसे पहला है दैट आर टेकन अप विद इन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट आर, तीन तरीके से, थ्री की स्टेजेज हैं। सबसे पहला है बिफोर ए डिजास्टर, प्री डिजास्टर मतलब डिजास्टर होने से पहले। दूसरा ड्यूरिंग ए डिजास्टर अकरेंस, देखिए इसको इमरजेंसी, देखिए तीन चीज़ें होगी, तीन स्टेप हो गया, सबसे पहले डिजास्टर आने से पहले, अब जब डिजास्टर आ गया, दूसरा अब डिजास्टर होके चले गया तो उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं आफ्टर ए डिजास्टर, तो इसी को डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल कहते हैं, DMC कहते हैं, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, ठीक है, DMC है। ये एक गेम भी है डेविल मे क्राई, इसको मत समझिएगा DMC का मतलब, इसका मतलब है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। अब इस तीन की को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल आती है तो सब सोचते हैं कि क्या है, तो तीन चीज़ें, तीन स्टेप आते हैं, होने से पहले जब डिजास्टर हो रहा होता है, और उसके बाद पोस्ट डिजास्टर में। अब यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी प्रोग्राम हैं, जितने भी मेजर्स लिए जाते हैं, जिससे कि विच कैन बी टेकन अप बिफोर, पहले, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ए डिजास्टर, ठीक है, जिससे कि कम से कम उस डिजास्टर का लॉस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुँचे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उसको, उस पूरी साइकिल को डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल कहते हैं। ये तीन स्टेजेज हैं। सबसे पहली स्टेज है बिफोर ए डिजास्टर, टेकन अप बिफोर मतलब कहने से पहले, प्री डिजास्टर आने से, आपदा आने से पहले क्या करते हैं। एग्जाम्पल के तहत हम क्या कर सकते हैं आपदा आने से पहले, सिंपल सी बात है, आपदा आने से पहले तो पता नहीं रहता कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, बट जैसे कभी आपदा आती है तो उससे पहले आने के लिए क्या क्या उनको अवेयर करा सकते हैं, हम कैंपेन चला सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेन की, हाँ डिजास्टर आ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। स्ट्रेंथिंग द एग्जिस्टिंग वीक स्ट्रक्चर, अब देखिए बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो बहुत लंबे समय से होती हैं, तो उनका जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो उसको स्ट्रेंथ करना, उसको मजबूत करना, ताकि अगर डिजास्टर आए तो कम से कम इसमें, इस बिल्डिंग में इम्पैक्ट पड़े। आगे प्रिपरेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स, अब डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स को प्रिपेयर करना राज्य सरकार को, जिलों को, डिस्ट्रिक्ट्स को, कि किस तरह से अगर डिजास्टर आता है तो किसको कॉल करनी चाहिए, ये आपको नंबर अवेलेबल है, कौन कौन सी स्कीम इम्प्लीमेंट करनी चाहिए हाउस होल्ड लेवल पर भी और कम्युनिटी लेवल पर भी, ठीक है। तो ऐसे रिस्क को क्या बोला जाता है, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटी। जैसे अभी क्वेश्चन तुरंत आपसे बन जाएगा कि ये मिटिगेशन एंड प्रिपेयरेशन एक्टिविटीज़ कब आती हैं, बिफोर अ डिजास्टर,
या किसको बोला जाता है, बिफोर ए डिजास्टर, ड्यूरिंग ए डिजास्टर या पोस्ट ए डिजास्टर, ठीक है। मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस क्या बोला जाएगा बिफोर ए डिजास्टर। अब कोई कहेगा मिटिगेशन तो सॉल्यूशन सर पोस्ट डिजास्टर के बाद किए जाते हैं, इसके सॉल्यूशन नहीं। मिटिगेशन का मतलब है सॉल्यूशन निकालना। जैसे बहुत सारे जगह ड्रॉट आ जाता है, जैसे उदाहरण हमने देखा कि जहाँ पर ड्रॉट आने की संभावना है तो वहाँ पहले से ही वाटर का मैनेजमेंट किया जाए, तो मिटिगेशन। तो कहने का मतलब ना ड्रॉट आने से पहले ही चीज़ें कर रहे हैं। तो पूरा प्रश्न बन सकता है मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस का जो एक्टिविटीज़ हैं वो कब हम यूज़ करते हैं, डिजास्टर आने से पहले, ड्यूरिंग ए डिजास्टर या पोस्ट डिजास्टर। तो इसका आंसर क्या है, बिफोर ए डिजास्टर। दूसरा, ड्यूरिंग ए डिजास्टर जब डिजास्टर आ चुका होता है और डिजास्टर अकरेंस में, ठीक है, तो उस पूरी एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, कोई आपदा आ गई तो आपको अब इमरजेंसी प्लान एग्जीक्यूट करना है, सॉरी इमरजेंसी रिस्पॉन्स करना है, कि किस तरह से आपको किसको कॉल करनी है, कैसे अपने जो साथी लोग हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको इमरजेंसी के टाइम में किस तरह से प्लानिंग एग्जीक्यूट करनी है। तो इसको पूरा क्या जाता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़। तीसरा है आफ्टर ए डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर की बात, इसको रिकवरी एक्टिविटीज़ बोला जाता है, कि किस तरह से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर कर लें जो भी लॉसेज हुए हैं। तो आफ्टर ए डिजास्टर आपको समझ में आ चुका होगा, पूरे DMC की बात समझ में आ गई होगी। इसको तीन फेजेज में डिवाइड करना है। ये आपको हम एक पिक्टोरियल की हेल्प से भी बताते हैं, एक पिक्चर की हेल्प से। कभी भी डिजास्टर स्ट्राइक करता है तो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला है प्री डिजास्टर, ये आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद है इमरजेंसी रिस्पॉन्स, फिर उसके बाद है पोस्ट डिजास्टर, इसमें रिकवरी की जाती है। अब देखिए क्या है, प्री डिजास्टर में दो चीज़ें होती हैं, हमने कहा प्रिपेयर्डनेस और दूसरा है मिटिगेशन असेसमेंट प्रिवेंशन। प्रिपेयर्डनेस में क्या है, कंटिंजेंसी प्लानिंग, वार्निंग देना, इवैक्यूएशन, कॉन्सुलेट प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट डिजास्टर, जो आने वाला डिजास्टर है उसके लिए तैयारी करना कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं। मिटिगेशन में क्या है, ऐसे वल्नरेबल क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, ये हो सकता है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक वाली जगह है तो यहाँ से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, दूसरा हो सकता है। फिर उसके बाद है इमरजेंसी रिस्पॉन्स, में क्या होता है, रिस्पॉन्स इमीडिएट इंटरवेंशन करना, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन चलाना। जैसे अभी फ्लड आया था, बहुत सारे लोग अपने फैमिली से अलग हो चुके थे, बहुत सारी लोगों की फसलें जा चुकी थी, तो बहुत सारे लोगों ने फेसबुक के जरिए लोगों को बताया था। तो सर्च एंड रेस्क्यू मिशन जल्दी से जल्दी चलाना चाहिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स के अंदर आता है। कि फूड, देखिए कभी भी डिजास्टर आता है तो सबसे बड़ी बात होती है लोगों को शेल्टर मिलना, लोगों को फूड मिलना और लोगों का ट्रांसपोर्टेशन। तो इन तीन, रोटी कपड़ा और मकान तो ये सभी कहते हैं, पर डिजास्टर आने में ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है, लोगों तक फूड नहीं पहुँचता। तो वाटर, शेल्टर, सैनिटेशन, क्लोथ्स, मेडिकल एंड ट्रॉमा केयर। तो इस दौरान शॉर्ट टर्म में जितना भी ये छोटे समय के लिए डिजास्टर आता है, तो इस दौरान लोगों तक जल्दी से जल्दी फूड पहुंचे, वाटर पहुंचे, शेल्टर पहुंचे, सैनिटेशन पहुंचे, मेडिकल पहुंचे चीज़ें, ठीक है। मेडिकल क्यों, बहुत सारे ओल्ड लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स में ये कह सकते हो। तीसरा है पोस्ट डिजास्टर, इसमें रिहेबिलेट करना चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुका है, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए ओल्ड बिल्डिंग को भी और जो टूट चुकी हैं डैमेज। तो तीन फेज आपको समझा चुके हैं, इसी को पूरा DMC कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। अब कभी भी क्वेश्चन आए जाएगा डायरेक्ट व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, तो आप पूरी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये तीन फेजेज में है, प्री, इमरजेंसी और पोस्ट में, ठीक है। अब सबसे बड़ा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, इसमें हम आपको देंगे न्यूमेरिकल डाटा फॉर योर शॉर्ट मेंस क्वेश्चन। आप इसको इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं, आप अपने बॉडी पार्ट में भी यूज कर सकते हैं, आप अपने आंसर के कंक्लूजन के पार्ट में भी इसको यूज कर सकते हैं। IBC बोला जाता है, इंट्रोडक्शन बॉडी पार्ट आंसर का और कंक्लूजन बॉडी पार्ट। इसमें सब जगह न्यूमेरिकल डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल हजार्ड की डेफिनेशन, क्योंकि अर्थक्वेक के कॉज कभी नहीं पूछते, क्योंकि लेक्चर वन में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, कि लेक्चर जो वन है उसमें हमने कभी ये नहीं देखा, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, कि अर्थक्वेक के पीछे कॉज क्या है। बट अर्थक्वेक टर्म आया तो उसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, जो हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले। सबसे पहले नेचुरल हजार्ड डिस्कस करेंगे, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, ड्रॉट, ये सब चीज़ें। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, कि कहाँ कहाँ जो हैं किस जोन में डिवाइड किए गए हैं। तीसरा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस भी जनरली आपको पता ही है, डैमेज हो जाता है, इकोनॉमिक लॉस होता है,
एंड मिटिगेशन मीजर्स, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इससे पहले हम टर्मिनोलॉजी पूरी ख़त्म कर चुके हैं लेक्चर 1, 2 और 3 के हाफ तक। द डिस्कशन ऑन वेरियस टर्मिनोलॉजी हैज़ हेल्प्ड अस इन हैविंग ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे डिस्कशन के साथ, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और ये लेक्चर 3 देख रहे हैं, वो पूरा अब समझ चुके होंगे डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि हमने जो मेजर टर्मिनोलॉजीज़ हैं आपदा प्रबंधन को सीखने के लिए, समझने के लिए जो मेजर टर्मिनोलॉजीज़ थी कि डिजास्टर क्या होता है, हजार्ड क्या होता है, वल्नरेबल क्या होता है, रिस्क क्या होता है और डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या होती है, क्योंकि ये हमने पूरा समझ लिया है तो डिजास्टर मैनेजमेंट अब हम समझ चुके हैं। अब जो मेन चीज़ें आती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है अर्थक्यूक, इसकी डेफिनेशन हम देख लेंगे क्योंकि कभी भी अर्थक्यूक, फ्लड ये चीज़ें आती हैं तो डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अर्थक्यूक क्या है? एक सडन सेकिंग है, हिलना है अर्थ क्रस्ट का। अब क्या होता है, ये ऐसा एक नेचुरल प्राकृतिक हजार्ड है जिसको प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं इट इज़ द सडन सेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट का। सडन बहुत अचानक से हिल जाना, सेक होना अर्थक्रस्ट का, इसे अर्थक्यूक कहलाता है। ये सबसे ऐसा प्राकृतिक हजार्ड माना जाता है जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। ये किसी भी वक्त आ सकता है, किसी ईयर में, डे में, नाइट में, और इसका बहुत ज़्यादा सडन इम्पैक्ट देखने को मिलता है विथ लिटिल वार्निंग। कहने का मतलब है हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा, अब देखेंगे इसका कुछ न्यूमेरिकल डाटा, इससे बहुत ज़्यादा एक 0 सेकंड में, 1 सेकंड 2 सेकंड, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा इंजरी कर लेता है, बहुत ज़्यादा लोगों को मार देता है, लॉस ऑफ लाइफ देखने को मिलता है। ओनली डिस्ट्रॉय द एंटायर हैबिटेशन बट मे डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट। इसके साथ साथ ये सिर्फ जहाँ लोग ज़्यादा जनसंख्या है सिर्फ उनको ही डैमेज नहीं करता बल्कि उनको भी डैमेज करता है। किसको? हमारी सरकार को, सरकार की इकोनॉमी को, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री को। कैसे? उदाहरण के तहत आप ले सकते हैं, वैसे भारत के ही एग्जांपल आप देंगे बट मैं अभी उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए आपको नेपाल का एग्जांपल देता हूँ। 2015 में, अभी रिसेंट एग्जांपल, या रिसेंट एग्जांपल हम कहें अगस्त सितंबर में फ्लड आती है हमारी केरल में, तो वहाँ देखिए राज्य सरकार को इतना ज़्यादा उसमें अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिली, एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा लॉस हो चुका था और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वहाँ सब पानी भर गया। तो कहने का मतलब ये सिर्फ हैबिटेशन को ही डैमेज नहीं करता, उससे जुड़ी हुई सरकार को, इकोनॉमी को और सोशल स्ट्रक्चर को लॉस करता है। तो ये अच्छी डेफिनेशन है किसी भी पर्टिकुलर आंसर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं कॉज के बारे में भी बात कर लूँ कि अभी मैंने बात की थी सडन सेकिंग ऑफ अर्थक्रस्ट। आप कहेंगे अर्थक्रस्ट क्या होती है? वैसे सबको पता है, ये ज्योग्राफी का हिस्सा है, हम ज़्यादा इसके कॉज में नहीं जाएंगे, बट तीन चीज़ें आपको, तीन तरीके से आपका अर्थक्यूक आ सकता है। सबसे पहले डाइवर्जेंट बाउंड्री के बेसिस पर, कन्वर्जेंट बाउंड्री के बेसिस पर, ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पर। अब हमारी प्लेट होती हैं, अब देखिए कभी भी एक प्लेट, दूसरी प्लेट एक दूसरे से दूर जाए तो इस वजह से अर्थक्यूक आ सकता है। दूसरा कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है कि दो प्लेटें आपस में टकराएं, या सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशनल, खाली सिर्फ अपने ही पोजीशन में इधर मूवमेंट करें तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल, जैसे सैन एंड्रियाज में आता है, ठीक है, सैन एंड्रियाज में देखने को मिलता है। ये कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यहाँ अर्थक्यूक के चांसेस देखने को मिलते हैं। कन्वर्जेंट रिंग ऑफ फायर, ये पैसिफिक ओशन का है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी प्लेट जो है आपस में आती हैं और बहुत ज़्यादा अर्थक्यूक और वॉल्केनिक एक्टिविटी क्रिएट करती हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट में मिड ओशनिक रिज का आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये अटलांटिक ओशन में आपको देखने को मिलेगा, जनरली मिड अटलांटिक रिज में। यहाँ पर जो प्लेट होती हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, डाइवर्जेंट होती हैं और अर्थक्यूक आने के चांसेस हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट मूवमेंट देखिए, मैंने लिखा भी, अगर कोई देख रहा है स्क्रीन में, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट मूवमेंट विल नॉट आस्क डायरेक्टली इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ये डायरेक्ट इसका कॉन्सेप्ट नहीं पूछेंगे, बट बहुत सारे लोग अभी अर्थक्यूक के बारे में जान रहे हैं तो उनका फ्लो के लिए, आपको समझने के लिए आपको हमने बताया। ये बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, 7 मेजर प्लेट हैं, 7 माइनर प्लेट्स हैं, सेवरल माइनर प्लेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी, बड़ी वाली नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, एंटार्कटिक प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ये कोई ओशनिक प्लेट है, कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, ये कभी दूर जाती हैं कभी पास आती हैं, तो इन मूवमेंट के वजह से इससे लिए आपको कन्वेक्शनल करंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कैसे मूवमेंट करती हैं। ओके, तो अर्थक्यूक की डेफिनेशन हम जान चुके हैं।
अब अर्थक्यूक आता है, अर्थक्यूक के बेस पे कौन सा प्रिलिम्स क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला है क्वेश्चन फॉर प्रिलिम्स ऑन मेजरिंग अर्थक्यूक। अर्थक्यूक आता है तो किस तरह से मेजर करते हैं, ये प्रिलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला है अर्थक्यूक मैग्नीट्यूड और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। देखिए सबसे पहला है दो चीज़ें, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है इंटेंसिटी। तो सबसे पहला हम पढ़ लेते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब कितना है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग अर्थक्यूक। कभी भी कोई एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि अर्थक्यूक का मतलब यही है कि एनर्जी, सडन एनर्जी रिलीज होना अर्थ की सरफेस में, तो उसे अर्थक्यूक कहेंगे। तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड बोला जाता है कि कितनी अमाउंट ऑफ रिलीज है। तो अब इस एनर्जी को किस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजर किया जाता है, ये है सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ। आपको कभी आएगा कि मैग्नीट्यूड किससे मेजर करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सिस्मोग्राफ। अब ये एक सिस्मोलॉजिस्ट हमारे चार्ल्स रिक्टर, या रिक्टर भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो इसने इन्होंने इसका डेवलपमेंट किया था, इसको खोज की थी हमारे चार्ल्स रिक्टर ने। तो अब मैग्नीट्यूड कभी भी आता है 7.5 रिक्टर स्केल, कभी भी देखिए बहुत सारा मैग्नीट्यूड 7.5 हम कहें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करना, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो और इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा जो बिल्डिंग्स होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। सडन अगर हम देखें मैग्नीट्यूड, अगर 3 का मैग्नीट्यूड में अर्थक्यूब को मेजर किया गया, 3 रिक्टर स्केल, तो ये कभी पूछा जाएगा कि 3 रिक्टर है स्केल में आया, तो क्या ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है या अर्थ की इंटेंसिटी को बता रहा है। ये बता रहा है अर्थ की मैग्नीट्यूड की, कि अर्थक्यूक आया तो उसने कितनी तेजी से आया, कितना एनर्जी उसने रिलीज की। तो सबसे पहले जो डायरेक्ट आप सिर्फ हिलता है, चीज़ें हिलती हैं तो वो मैग्नीट्यूड 3 वाली होती हैं, बट उसका 30 गुना, उसका 40 गुना हम देखते हैं मैग्नीट्यूड 7.5। कहने का मतलब अगर मैग्नीट्यूड 7.5 आपको देखने को मिलता है तो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है और उतना ही वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेगी। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अर्थक्यूक हमने रिकॉर्ड किया था अलास्का में 1969 में, और चिले 1960 में, ये है 9.25। देखिए 30 गुना, अभी हमने देखा 7.5, 30 गुना है इस पर्टिकुलर ह्यूमन का। बट अगर सपोज मान के चलिए ये 9.25 है, सपोज यहाँ पर अगर 3 में सिर्फ बिल्डिंगें सेक कर रही हैं, 7.5 में 10 बिल्डिंगें गिर रही हैं, तो 9.25 में पूरा जो सिटी है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा जिस एरिया में भी वो आ रहा है। तो ये आप समझ चुके होंगे मैग्नीट्यूड का मतलब। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि इफेक्ट, उस अर्थक्यूक का इफेक्ट कितना हुआ है। ठीक है, कोई आपदा आती है, चाहे अर्थक्यूक है, तो उस अर्थक्यूक का कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है तो उसे इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है उसे क्या कहते हैं, एनर्जी रिलीज हुआ तो मैग्नीट्यूड, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उसे क्या कहेंगे, इंटेंसिटी। अब ये डेवलप किया हमारे मार्सेली जी ने, मार्सेली 1902 में। ठीक है, अभी के हिसाब से ये इटली के हमारे रहने वाले हैं सिस्मोलॉजिस्ट मार्सेली, इनको बोला जाता है, तो इनके ही नाम पे इंटेंसिटी, अर्थ की कितनी इंटेंसिटी आई, मतलब कितनी चीज़ें इन्होंने डिस्ट्रॉय की, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ होगा तो ज़्यादा मार्सेली में इसको कैलकुलेट करेंगे, कम इम्पैक्ट हुआ तो कम। अब अभी के हाल के बहुत सारे जो अभी जैसे 1902 में इसको किया था, बट अभी मॉडर्न के बेसिस में बहुत सारे एडिशनल फीचर उसमें ऐड किए जाते हैं, तो उसको अभी के बोला जाता है मॉडिफाइड मार्सेली स्केल। तो इसमें क्या है, किसी अर्थक्यूक ने कितने लोगों को अफेक्ट किया, कितने स्ट्रक्चर उससे डिस्ट्रॉय हुए, अर्थ सरफेस में इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 to 12 की जाती है रोमन डिजिट में, 1 से लेके 12 तक। सिंपल सी बात है, कम है तो कम मार्सेली और ज़्यादा है ज़्यादा इंटेंसिटी है। देखिए अगर 6th तक इंटेंसिटी आती है तो ये सिर्फ क्या करता है, देयर आर क्रैक्स ऑन द वॉल, सिर्फ दीवार पे क्या आएगी, दरार आएगी। बट विद द इंटेंसिटी ऑफ 12 देयर इज ए जनरल पैनिक विद बिल्डिंग कोलैप्सिंग टोटली। अब इसमें अगर सपोज इंटेंसिटी 12 होती है तो इसमें क्या है, बिल्डिंग कोलैप्स। अब देखिए कभी भी हमको नेपाल की एक बार वीडियो देख लीजिएगा आप यूट्यूब पे, कि कितनी ज़्यादा बिल्डिंग है ऐसे गिर गई, कॉलेप्स हो गई, तो वहाँ पर हम कहेंगे इंटेंसिटी ज़्यादा है, हम कहेंगे 12 मार्सेली, 12 मॉडिफाई मार्सेली स्केल है। कभी कोई कहेगा स्केल, अरे आप दोस्त के साथ देख रहे हैं तो वीडियो ऐसा मत कीजिएगा कि ये, अरे ये पूरी बिल्डिंग ही गिर गई। आपका क्या कहना है, आपको अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या पीसीएस के एस्पिरेंट हैं, आप कहेंगे 12 इंटेंसिटी की मार्सेली आई है, यहाँ पर ऑब्जर्व हुई है देखने को, वो कहेगा अरे क्या बोल दिया इसने। ठीक है, तो इस तरह से आप बोलेंगे, हम तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है,
अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि अर्थक्यूब को समझाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंस के आंसर में आपको अर्थक्यूब से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं वो भी आपको बताने पड़ेंगे। 2001 में भुज, जो कि गुजरात में स्थित है, अर्थक्यूब आता है बहुत ज़्यादा। देखिए आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। हम कहेंगे देखिए बिल्डिंग कॉलेप्स हुई, हम कहेंगे 12 की इंटेंसिटी मर्सली, 12 मॉडिफाइड मर्सली स्केल आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1991 में आता है, 1988 में आता है, तो ये देखिए आप कोई अर्थक्यूब आता है तो देखिए रोड कितना ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का लॉस हो रहा है। अब ये देखिए लोगों के घर गिर गए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत सारी लॉस ऑफ लाइफ, ये तो देखिए पूरी बस्ती ही यहाँ पर डैमेज हो चुकी है। तो हम इसको देखने से पहले आप ये देख सकते हैं पूरा अर्थक्यूब का, तो इसके लिए हमें प्रिपेयर्डनेस करनी, अनफॉर्चुनेटली तरीके से ये ना हो, इससे होने वाले लॉस कम हो, तो ये हम चीज़ें कर सकते हैं। तो अब ये कुछ हैं अर्थक्यूब एग्जाम्पल फॉर मेंस आंसर। कभी आपके पूछा जाता है अर्थक्यूब तो आप मेंस का आंसर इसलिए लिख सकते हैं। सबसे पहला है 1950 से आता है, देखने को मिलता है, उससे पहले भी आया होगा बट उसको यहाँ पर लिस्ट नहीं किया, लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट अर्थक्यूब इन इंडिया, भारत में आने वाले आज़ादी के बाद ही देखने को मिलता है। 2005 में नेक्स्ट मुजफ्फर पाकिस्तान इम्पैक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद 1950 है अरुणाचल प्रदेश चाइना एंड बॉर्डर, 1956 है। अभी जो मैंने आपको दिखाई 1991 और 1988 में, ये देखिए 1991 और 1988 में, ये वहीं के डायरेक्ट उनके ही वहीं से फुटेज यहाँ पर पिक ली गई हैं। 1991 उत्तरकाशी उत्तर प्रदेश, अभी तो ये उत्तरकाशी कहाँ पर है अपना, उत्तराखंड में है, बिहार नेपाल बॉर्डर यहाँ पर देखने को मिलता है ये। अब कुछ मैग्नीट्यूड में ध्यान से देख लें, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, तो ये उन्हीं के एग्जाम्पल हैं जो +6 के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इसने किया होगा, ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई होगी, 7.4, 6.9, 6.8, 6.6, तो सबसे बड़ा देखिए 8.5 जो कि आया है अरुणाचल प्रदेश चाइना बॉर्डर 1950 में, तो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया होगा आप सोच सकते हैं। तो इसमें से कुछ आपको ईयर तो याद करने पड़ेंगे, आप अगर कुछ अच्छा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ईयर तो कुछ 4-5 के जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, 1950 का आप याद रख लीजिए अरुणाचल प्रदेश वाला, उसके बाद ये मुजफ्फरनगर इम्पैक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर भी इम्पैक्ट हुआ, ये आप याद कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मेन्स के लिए एज वेल एज प्रिलिम्स के लिए। हमारा अर्थक्यूब आता है बट अर्थक्यूब की जो जोनिंग है वो डिवाइड की गई है 4 चीज़ों में, जोन सेकंड, जोन वन नहीं है अभी ये याद रख लीजिएगा, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ एंड जोन फिफ्थ। अब ये जोनिंग की गई है कि किस हिसाब से किस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा इम्पैक्ट, जो ज़्यादा अर्थक्यूब के मैग्नीट्यूड आ सकता है या कम आ सकता है, ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जो सिस्मिक जोनिंग है मैप ऑफ इंडिया में वो 4 जोन्स में डिवाइड किया है, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ और जोन फिफ्थ है। तो सबसे बड़ी बात है जोन फिफ्थ सोन इन रेड कलर इज बीइंग मोस्ट वल्नरेबल टू अर्थक्यूब। देखिए जोन फिफ्थ जो है वो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं अर्थक्यूब अगर आता है तो, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, जोन फिफ्थ में रहने वाले जो लोग हैं। अभी हम दिखाएंगे कि जोन फिफ्थ में कौन कौन रहने वाले हैं। तो मच ऑफ इंडिया, ये प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे कि मच ऑफ इंडिया जो रिजाइड करती है या लाई करती है फोर्थ में, फिफ्थ में, सेकंड में, तो मच ऑफ इंडिया लाई करती है जोन थर्ड में। तो न्यू दिल्ली है, पूछा जाएगा न्यू दिल्ली कहाँ पर, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, लाई इन जोन फोर्थ, जोन फोर्थ में है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हम कह सकते हैं पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर मुंबई और चेन्नई वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ पड़ रही हैं, जोन थर्ड में। अब जोन बेस्ड डिवीज़न प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, देखिए अपना अपना ये स्टेट है, अपने स्टेट के बारे में तो जान ही लीजिए कि आपका स्टेट जोन फोर्थ में आता है, फिफ्थ में आता है, सिक्स्थ में आता है या सेवन्थ में आता है, पर सिर्फ मैग्नीट्यूड जो जोन है वो सिर्फ 4 पार्ट में डिवाइड है, जोन सेकेंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ और जोन फिफ्थ। जोन फिफ्थ देखिए नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, ये वाला है यहाँ पर है, ये देखिए गुजरात का। तो अब देखते हैं जोन सेकंड, तो मोस्ट ऑफ द जो इंडिया लाई करता है जोन थर्ड में, आपको देखने को मिल रहा है कि ये देखिए ब्लू वाला बहुत ज़्यादा एरिया है, यहाँ पर सबसे कम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सिस्मिक डिस्टर्बेंस अप टू यहाँ पर मैग्नीट्यूड 4.9, जोन फिफ्थ में जो मैग्नीट्यूड कितनी सडन एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है 8 तक, तो ये नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई अर्थक्यूब आ जाता है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो प्रिलिम्स के मैं चाहता हूँ आपसे कि आप पूरा एनालाइज करके, कभी क्वेश्चन आता है
देखिए मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड करूंगा, आपको एनालाइज की थिंकिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी। देखिए कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि हाँ हमारे पास एक मध्य प्रदेश है, हमारे पास कोई नॉर्थ ईस्ट का राज्य दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी क्वेश्चन कैसे बनते हैं मेंस में कि अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट राज्य बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, तो आप सोचने में लग जाएंगे क्यों है। तो आपको मैंने बता दिया है कि आप डायरेक्ट आपका आंसर कहाँ से शुरू होगा, आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश है, तो ये जो राज्य होते हैं त्रिपुरा है मणिपुर है, ये राज्य जो हैं आप कहेंगे सिस्मिक जोन फिफ्थ में आते हैं। सिस्मिक जोन फिफ्थ में आते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक का रिस्क रहता है, और इसका जो एनर्जी रिलीज करता है या मैग्नीट्यूड है इसका 8 या उससे ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो आपको जोन बेसिस साइंटिफिक तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, तो जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ, जोन फिफ्थ, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉसिबल रिस्क रिडक्शन मेजर्स, कौन कौन से रिस्क रिडक्शन मेजर्स हम लेते हैं ड्यूरिंग अगर कोई अर्थक्यूक आता है। तो सबसे पहला, अगर कभी भूकंप आ जाए यानी कि अर्थक्यूक आ जाए, तो सबसे पहला है कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस में दो चीज़ें आती हैं, तीन चीज़ें आती हैं, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। ये मैं आपको पिक भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले ड्रॉप कीजिए, फिर कवर लीजिए और उसको होल्ड कीजिए, पकड़े रहिए। तो ये सबसे पहले, हालांकि ये आपको थर्ड क्लास में सिखाया जाता है या फोर्थ क्लास में, बट ये आपको मेंस के आंसर में लिखना पड़ेगा अगर कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस जब पूछा जाता है कि ड्रॉप, कवर और होल्ड। उसके बाद प्लानिंग, प्लानिंग किस तरह से कर सकते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS जिसे कहते हैं, ये पब्लिश करता है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिश करता है बिल्डिंग कोड और गाइडलाइंस कि किस तरह से अर्थक्यूक सेफ्टी के मेजर्स के बेसिस पे कोई बिल्डिंग लगाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है कि सॉइल स्ट्रांग है या नहीं, यहाँ पर बिल्डिंग लगनी चाहिए नहीं। और अभी के बारे में देखें तो प्रेजेंट सिनारियो ऐसा है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारे फायर स्टेशन अभी भी अर्थक्यूक सेफ्टी मेजर्स के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको ऐसे बिल्ट किया ही नहीं गया है। अगर कभी अर्थक्यूक भी आता है तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं और फायर स्टेशन हैं, उनको अर्थक्यूक सेफ्टी मेजर्स के बेसिस पे बनाया जा सकता है, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो अर्थक्यूक से बचने के लिए सबसे पहले कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस में क्या आता है, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड, ठीक है। ड्रॉप कीजिए, उसमें कवर लीजिए और पकड़े रहिए, ठीक है। अब पॉसिबल रिस्क रिडक्शन में उसके बाद तीसरी चीज़ है, सबसे पहला तो दो तो हम कर चुके हैं, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, प्लानिंग, और तीसरा है पब्लिक एजुकेशन। लोगों को अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लोगों को एजुकेशन देनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाए, ताकि सबसे ज़्यादा लोग क्या हैं प्रोटेक्ट हो, उनका लॉस ऑफ लाइफ, उनसे जुड़ी हुई जो इंस्टीट्यूशन हैं, उनसे जुड़ी हुई जो एसेट्स हैं, इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं, वो प्रोटेक्ट रहें। आगे इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर, ये मैंने बता दिया, ये आप इसको आपको ड्रॉ तो नहीं करना, बट इससे पहले मैंने बता दिया है कि अर्थक्यूक सेफ्टी मेजर्स के बेसिस पर बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। यहाँ पर कुछ इंजीनियरिंग के टर्म लिखे हैं कि लिंटल बैंड डालने चाहिए, स्टेप फाउंडेशन, आपको इतना ज़्यादा देखना नहीं चाहिए, बट यहाँ पर देखने को मिलता है, देखिए सॉफ्ट ग्राउंड होगा तो जल्दी टूटेंगी ये बिल्डिंग है, स्ट्रांग ये बेस है तो अर्थक्यूक आएगा, तो गुड सॉइल कंडीशन है तो ये एक तरह से इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर होता है कि अच्छी सॉइल में बनाना चाहिए अर्थक्यूक आ भी जाए, वीक सॉइल में होगा तो ये देखिए डिस्टर्ब्ड दिखेंगे आपको बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आज की वीडियोज़ में हमने पूरा कर लिया है अर्थक्यूक पूरा कर लिया, हमने उसके फैक्ट देख लिए, कहाँ कहाँ अर्थक्यूक आया था ये सब देख लिया। मेन चीज़ हमने तीन चीज़ें करी, DMC डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फिर उसके बाद अर्थक्यूक कहाँ आ सकता है, मेंस में अर्थक्यूक से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में वो आपको अभी बता दें, सबसे पहले हम सुनामी पढ़ेंगे, सुनामी से रिलेटेड उसकी प्रिडिक्टिबिलिटी क्या होती है, उससे जुड़े हुए इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम, रीजनल सुनामी सिस्टम, इंडिया में उसका क्या डाटा है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, कहाँ पहले सुनामी आ चुकी है, जापान उस सुनामी के लिए क्या करता है, ये साइक्लोन डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हजार्ड हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि फ्रिक्वेंटली UPSC और लोअर PCS पूछता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, लेक्चर 4 अपलोड हो जाएगा कल तक, देखते रहिए, धन्यवाद।